जीवन में सफल होने के 13 बेहतरीन टिप्स के बारे में जानने से पहले आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये टिप्स दुनिया के सफलतम व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं। लोग इस बात का रोना रोते हैं कि मेरी उम्र अधिक हो गई है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में एक सामान्य इच्छा जरूर होती है कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनूं। तो चलिए दोस्तों, हम आज इस वीडियो के जरिए आपको ये बताएंगे कि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो और कैसे आप सफलता के मुकाम तक पहुंच सकते हो। हालांकि लोगों के सफलता का मापदंड अलग अलग होता है, कोई पैसा चाहता है तो कोई शोहरत, कोई अच्छा फैमिली लाइफ जीना चाहता है तो कोई ऐसो आराम। इसमें कुछ लोग सफल हो भी जाते हैं और कुछ नहीं। सफलता हासिल करना उतना आसान नहीं, मगर इसे हासिल किया जा सकता है। अगर जीवन में सफल होने के कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन सफलतम लोगों द्वारा अपनाए गए उपाय बहुत कम है आज के टाइम पे, और उसी चीजों का संग्रह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के द्वारा आपको दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा दिए गए बेहतरीन टिप्स दिए जाएंगे। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक अभी से ही कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि हम रोजाना ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जिससे आप लाइफ में कैसे ग्रो कर पाए। टिप्स नंबर 13, हमेशा बड़ा सोचिए। ज्यादातर लोग अपना गोल बहुत ही छोटा सेट करते हैं और उसे प्राप्त करके खुश हो जाते हैं। वही कुछ लोग बहुत ही बड़ा गोल पाने की कोशिश करते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आप अपना गोल काफी सोच समझ कर ही सेट कीजिए और बड़ा सोचिए। देखिए दोस्तों, बड़ा सोचने से होता क्या है ना कि अगर आप 100% कोई भी गोल को तो अचीव नहीं कर सकते, मगर अगर आप बड़ी चीजों के बारे में बड़ी सोच के साथ किसी भी चीज को देखेंगे तो अगर आप उसका 50% 60% भी अचीव कर लिए तो छोटे गोल से वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। टिप्स नंबर 12, यह पता लगाएं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और उसी काम को करें। देखिए दोस्तों, काम यदि आपकी रुचि के अनुसार होता है ना, तो उस काम को करने में आप अपना 100% देते हैं। तो इस टिप्स का मतलब यही है कि आप अपने पैशन को पहचानिए। वो पैशन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, चाहे आपको कोडिंग करना अच्छा लगता हो, या फिर गेमिंग करना पसंद हो, या फिर आपको घूमना पसंद हो, या फिर खाना बनाना पसंद हो, चाहे वो कुछ भी हो, मगर वो आपका पसंदीदा काम होना चाहिए। फिर देखिए, सक्सेस आपके कदमों को जरूर चूमेगी। टिप्स नंबर 11, अपने जीवन को संतुलित बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में निरंतर कई न कई लड़ाइयाँ चलती रहती है, पारिवारिक, सोशल या फिर फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। हम किसी में निपुण नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसे हम कैसे हैंडल करते हैं ये हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे तो आज नहीं तो कल आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि बैलेंस करके कोई भी किया हुआ काम अधूरा हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या है कि आपका एक हैबिट बनेगा कि हर एक छोटे से छोटे कामों को आप पूरा कंप्लीट करना सीखेंगे, जिससे होगा क्या कि आपको एक ही समय पे बहुत ही बड़े नहीं होगा आपके कामों को लेकर के। टिप्स नंबर 10, अपने असफलताओं से मत डरो। देखिए दोस्तों, असफलता किसी काम को दोबारा शुरू करने का एक और मौका देती है और उसी काम को और भी अच्छे तरीके से करने का फिर से मौका देती है। टिप्स नंबर 9, सफलता का दृढ़ निश्चय करो। जब आप यह निश्चय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मेहनत करना पड़े, हमें अपने गोल अचीव करना है, तो यह संकल्प हमें सफल बनाता है और यही संकल्प को हम अपने हर एक कामों में यूज करें। टिप्स नंबर 8, कर्मठ बनो। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि गोल तो बिग सेट कर लेते हैं लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं करते हैं, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते। सफल होने के लिए गोल के हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ती है दोस्तों। तो आज से आप कोई भी अगर गोल अपना सेट कर रहे हैं तो उसको एक ही बार में कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचिए, उसको धीरे धीरे कंप्लीट किया कीजिए, जिससे होगा क्या कि आपको बर्डन भी फील नहीं होगा आपके काम का और आप धीरे धीरे आप अपने सेट किए गए गोल को अचीव भी कर लोगे। टिप्स नंबर 7, विवादों से बचे। अपने दैनिक जीवन में कई तरह के लोग आते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। किसी तरीके का विवाद आपके सफल के पथ पर रोड़ा बनकर साबित होता है, तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि बेकार के विवादों में नहीं पड़े। टिप्स नंबर 6, नए विचारों नई योजनाएं अपनाने से नहीं घबराएं। देखिए दोस्तों, हम अपने लाइफ में कई बार क्या होता है ना कि अपने कंफर्ट जोन में ही लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, और कोई भी नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी नया चीज अगर हमारे सामने आता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये सोच करके कि उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा या फिर मुझे वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें। टिप्स नंबर 5, अपने सफल होने की क्षमता पर विश्वास रखें। मन में यह विश्वास रखना जरूरी होता है दोस्तों कि जो मैं सपना देख रहा हूँ उसे पूरा करना है और उसे मैं पूरा कर सकता हूँ। कभी भी किसी काम को जब आप स्टार्ट करें और अगर वो काम आपके
जीवन को बदल सकता है तो आप ये सोच करके काम करें कि ये काम आप ही के लिए बना है। तब ऑटोमेटिकली आपका शरीर भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा आपके गोल को अचीव करने में। टिप्स नंबर 4, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। जो व्यक्ति अपने सोच को, अपनी मानसिक दशा को हमेशा पॉजिटिव रखता है उसे सफल होने में कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए दोस्तों, जैसे हम नकारात्मक सोचते हैं हम अपने गोल से दूर होते जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आप जो भी गोल लिए हैं उसको हमेशा पॉजिटिव वे में देखें। टिप्स नंबर 3, निराशा की कोई भावना आपको रोक नहीं सकती। कभी कभी हम जब सफल की राह में अग्रसर होते हैं तो कुछ निराश करने वाली बातें सामने आती है। अगर हम उन बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। टिप्स नंबर 2, हमेशा कड़ी मेहनत की इच्छा बनाए रखें। सफल होने के लिए आपको एक सामान्य आदमी से ज्यादा काम करना होगा, तभी आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। और हमारा इस वीडियो का आखिरी टिप्स नंबर 1, हमेशा अपने अंदर मन की सुनिए और पालन कीजिए। जब भी हम कोई काम करते हैं हम अपने आप से बात करते हैं, हमें हमेशा अपने मन की ही सुनना चाहिए और उसके बाद ही एक सही डिसीजन लेना चाहिए, एक सही निर्णय लेना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।